कैसे हो बच्चों? हमारा पहला पाठ इतिहास के साधन पूरा मैंने समझा दिया है। आज हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार डैश में है। इसका उत्तर है नई दिल्ली। क्या है इसका उत्तर? नई दिल्ली। दूसरा है दृश्य श्रव्य साधनों में डैश साधन का समावेश होता है। दृश्य श्रव्य मतलब जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो इसका आंसर है दूरदर्शन। तीसरा है भौतिक साधनों में डैश का समावेश नहीं होता। भौतिक साधनों में डैश का समावेश नहीं होता, तो इसका आंसर है लोकोक्तियाँ, क्योंकि ये हमारा मौखिक साधन है। इसका आंसर है लोकोक्तियाँ। अब इसका ब देखते हैं। निम्न में से विसंगत जोड़ी पहचानिए। जाल कूपर, ये डाक टिकट के अध्ययन करता थे। कुसुमाग्रज, महान कवि। अन्नाभाऊ साठे, लोक शाहिर। अमर सावले, चित्र संग्राहक। ये आंसर क्या है? गलत है, क्योंकि अमर सावले एक पॉलिटिशियन थे। तो इसमें विसंगत जोड़ी पहचान कर लिखिए, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? अमर सावले, चित्र संग्राहक। अब आ जाते हैं इधर। प्रश्न नंबर दो, टिप्पणी लिखिए लिखित साधन। तो पेज नंबर एक पर, जब आप अपनी पुस्तक के पेज नंबर एक पर जाएंगे, तो वहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ था लिखित साधन का। ये तो लिखित साधन का उत्तर आपको यही लिखना है। लिखित साधन यह इतिहास को जानने का एक साधन है। लिखित साधनों में निम्न साधनों का समावेश होता है, और उसके बाद जो इसके अंदर ये चार्ट दिया हुआ है, इसे आपको पूरा बनाना है। लिखित साधन में समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, दैनंदिनी, ग्रंथ, पत्राचार, अभिलेखागार में उपलब्ध कागज दस्तावेज, सरकारी गजट, डाक टिकट, कोष साहित्य। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का भी उत्तर देखिए, ये यहाँ दिया हुआ है। ये तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में आपको ये जो पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। कैसे? यहाँ से आप शुरू करेंगे। वर्ष 1953 के बाद भारत के बहुसंख्यक समाचार पत्रों के लिए सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्राथमिक विवरण महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित लेखों का उपलब्ध स्रोत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया था। ये पॉइंट वन है। फिर दूसरा पॉइंट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अनगिनत समाचार पत्रों को विभिन्न समाचार, छायाचित्र, आर्थिक और वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेखों की आपूर्ति की। ये है आपका पॉइंट टू। पॉइंट थ्री में लिखेंगे, अब पीटीआई ने अपनी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध की हैं या प्रारंभ की हैं। ये होगा पॉइंट थ्री। पीटीआई ने 1990 के दशक में टेलीप्रिंटर्स के स्थान पर उपग्रह प्रसारण तकनीक द्वारा समाचार भेजना शुरू किया है। आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के लिए यह सामग्री महत्वपूर्ण है। ये होगा पॉइंट फोर। आया समझ में? अब इसके बाद है प्रश्न कारण लिखिए। इसके बाद है प्रश्न कारण लिखिए। उसमें है आपका, एक मिनट मैं खोल देती हूँ आपको। डाक टिकट के विषय में पूछा है कि डाक टिकट, डाक विभाग डाक टिकटों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विरासत एवं समरसता के संवर्धन तथा संरक्षण हेतु प्रयास करता है। तो डाक टिकट का जो पैराग्राफ है पेज नंबर दो पर,
ये, इसे भी आपको पॉइंट वाइज लिख देना है। पैराग्राफ पूरा लिखना है पर इसे पॉइंट वाइज लिखेंगे आप। डाक टिकट का जब आंसर आप लिखेंगे तो पहले पॉइंट में लिखेंगे, डाक टिकट स्वयं कुछ नहीं कहते परंतु इतिहासकार उनसे बुलवाता है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद से लेकर अब तक डाक टिकटों में अलग अलग रूपों में परिवर्तन हुए हैं। पॉइंट वन। पॉइंट टू, टिकटों के आकार में आई हुई विविधता, विषयों की नवीनता, विभिन्न रंग संगति के कारण डाक टिकट हमें बदलते समय के बारे में बहुत कुछ कहते रहते हैं। और पॉइंट थ्री, डाक विभाग राजनीतिक नेताओं, पुष्पों, पशु पक्षियों, किसी अवसर, किसी प्रसंग की रजत, स्वर्ण जयंती, अमृत महोत्सव, शताब्दी, द्विशताब्दी, त्रिशताब्दी पूर्ति के उपलक्ष्य में टिकट का प्रकाशन करता है। यह टिकट इतिहास की अनमोल धाती होता है। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो इसी को हम क्या करेंगे, तीन भागों में यानी तीन पॉइंट्स में इसको हम लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है, आधुनिक भारत का इतिहास लिखने के लिए दृश्य श्रव्य माध्यम महत्वपूर्ण होते हैं। तो दृश्य श्रव्य माध्यम महत्वपूर्ण होते हैं, इसका आंसर आप यहाँ से शुरू कर दीजिएगा। दृश्य श्रव्य माध्यम कहाँ है, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीन का कारण लिखिए का दूसरा प्रश्न, आधुनिक भारत का इतिहास लिखने के लिए दृश्य श्रव्य माध्यम महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि दृश्य श्रव्य माध्यम होते क्या है। तो दूरदर्शन, फिल्म, इंटरनेट, अंतरजाल आदि साधनों को दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं। इनमें देशी तथा विदेशी चैनलों का समावेश होता है, जैसे हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल। अब इसके बाद पूछा है कि दृश्य श्रव्य साधन कैसे महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत के इतिहास लिखने में, तो ये मैं आपको लिखकर आंसर दे दूंगी। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा इस पाठ का जितना भी स्वाध्याय था वह क्या होता है, ख़त्म होता है। इसे आप पूरा अपने नोटबुक में कॉपी कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।